28,600, including all taxes. Hello, excuse me. लेकिन हम लोगों ने आपका शो तो कैंसिल किया है ना? हाँ, लेकिन जैन के इंसिस्ट करने पर हम एक शो कैंसिल करके यहाँ आए हैं, तो पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी. 28,600. Well, साहिल, I think है ना? हाँ. हाँ, अरे मेरी ओर देखा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? 28,000, आप कुछ कंसेशन दे. नो माया. हाँ बोलो माया. कल हम लोग तो सब यहाँ घर में ही बैठे बातचीत कर रहे हैं, और क्या. कैसे चल रही तुम्हारी वो नारे? कैंसल हो गई? अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग तो सब यही है. हाँ आ जाओ घर. उठिए उठिए. लेकिन हमारी पेमेंट? मैं आपको नीचे चेक लिख कर देता हूँ, खुली हवा में. चलिए खुली हवा में, चलिए प्लीज. चलिए. हाँ अब बोलो माया. अच्छा क्या हुआ, मालविका की आवाज बैठ गई? नेचुरली वो तो बैठनी थी, एक तो उसकी आवाज भी के ऊपर से नारेबाजी करने चली थी. तुम कहाँ हो इस वक्त? हमारे घर की लिफ्ट में. अच्छा माया, तुम लिफ्ट में से बोल रही हो, इसीलिए मैं सोचूं कि तुम्हारी आवाज क्यों फट रही है. क्या? नहीं, मेरी आवाज क्यों फटेगी भला? ओह माय गॉड, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैसे कब दे रहे हैं, मुझे बताइए. अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी वाइफ आ रही है. अरे इसकी तो वाइफ आ रही, मेरी वाइफ आ रही. मैं हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, आप इन्हें छुपा दीजिए प्लीज प्लीज. व्हाट आर यू सेइंग? यही कि आप इन्हें छुपा दीजिए, मेरा डिवोर्स हो जाएगा. फिर तो माया बड़ी खुश होगी ना. अच्छा, मॉम औरतों के शोषण के खिलाफ नारे लगाकर आ रही है, अगर ये सब देख लेगी ना तो आप मर जाएंगे. मैं हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, 30,000 रुपए ये दे देगा. आप प्लीज अंदर छुपा दीजिए इनको, और आप भी जाइए प्लीज प्लीज प्लीज. हाँ, इन्हें डैडी के बेडरूम में छुपा दीजिए. मेरे बेडरूम में क्यों? तेरे बेडरूम में क्यों नहीं? पार्ट टू. रोसेश मोमाज बॉय. डू एज आई से, वरना मैं मोमा को सब कुछ बता दूंगा. आप प्लीज इनको लेकर मेरे बेडरूम में छुप जाइए प्लीज. ऑलराइट गर्ल्स एक्शन. ये मालविका की वजह से सब कर. हेलो बॉयज, बड़े क्यूट लग रहे हैं आप तीनों, और दुष्यंत तुम भी. बेल ठीक है ना? साहिल. स्वीटा, लव यू. क्या कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, डैडी दिखा रहे थे कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं. तो वो तो 30 सेकंड में खत्म हो गया होगा, फिर उसके बाद? आप देखना चाहती हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं? Definitely. डैडी, मुझे प्यास लगी है पानी. Of course. बेटे, सादा पियोगे या ठंडा? मेरे मुन्ना. Unbelievable. Okay, boys, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दोनों को छुपा दिया है. Oh yeah. Hello. Hello. ये कौन है? Plumber. Plumber. Lady plumber. आप लोगों ने lady plumber को बुलाया? माया, वो तुम ही कहती हो ना कि औरत को हर वो काम करना चाहिए जो मर्द किया करते हैं, इसलिए हम लोगों ने येलो पेजेस में से ढूंढ ढूंढ कर एक लेडी प्लमर को यहाँ बुलाया. वेरी इंटरेस्टिंग. मिस ब्रह्मम गच्छक क्षणिका. व्हाटएवर, आप प्लमर हैं? हाँ. ना आप कुछ कह रही थी ना कि मैंने दोनों को छुपा दिया. क्या छुपा दिया आपने? हाँ वो माया, तुम भूल गई, वो बाथरूम में दो लाइव वायर लटक रहे थे, शॉक लगने का डर था, वो वायर्स इसने छुपा दिए. अच्छा अच्छा, वायर को छुपाने के लिए तुमने प्लमर को बुलाया. इलेक्ट्रिशियन की तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाने वाले थे माया, लेकिन रोसेश डैडी ने, बेचारे ने कहा भी कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, लेकिन उसकी एक नहीं मानी साहिल ने. मैंने, यानी साहिल ने कहा इसे ही बुलाते हैं, इसे सब कुछ आता है, प्लम्बिंग का काम भी और इलेक्ट्रिशियन का काम भी, और इसकी खास दोस्त भी है बहन. साहिल, ये तुम्हारी खास दोस्त है? इसका भाई मेरा खास दोस्त है. तो फिर उसे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो प्लमर नहीं है ना. अब मैं जाऊं, मेरी पेमेंट कर दीजिए प्लीज. एक मिनट रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद दूंगा. बाद में क्यों, मेरे पास हैं अभी. आई विल गिव इट. कितने पैसे हुए मिस? नो, तुम माया से पैसे बिल्कुल नहीं लोगी. साहिल, तुम दे दो ना इसका चेक.
चेक प्लम्बर को. आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग दिस. रोसेश बात क्या है? रोसेश तुमने बताया नहीं तुम क्या पियोगे, चाय दूध या फिर मार्गरिटा विद क्रश्ड आइस? मेरे लाल वंडरफुल. मगर व्हाट्स द कैच रोसेश? एक्सक्यूज मी. रुको. अरे आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? आपके बाने और पकड़ तो यहाँ है ना. तो मैं फिर कभी लेके जाऊंगी. अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपको किसी और जगह कॉन्ट्रैक्ट मिला तो इन पाना पकड़ के बगैर आप कैसे काम करेंगी? वैसे मेरे पास और 6 पकड़ और 15 पाने हैं. आउच. बेडरूम में से ये आवाज कैसी इंद्रवदन? अंदर कौन है? पाना पक्कड़. बोलते हुए पाना और पक्कड़. दुष्यंत अब समझाना इंजीनियर. वो क्या है, रोबोटाइज्ड पाना और पक्कड़ है. जैसे ही प्रॉब्लम देखते हैं तो चिल्ला उठते हैं. आई एक्सप्लेन. मान लो कि रोसेश लटकती हुई वायर है. कट इट आउट दुष्यंत. मुझे कोई बताएगा प्लीज कि क्या सच है? मैं बताता हूं कि सच क्या है. अंदर बेडरूम में 2 लड़कियां हैं. मोनिशा मोनिशा मेरी बात का यकीन करो. देखो वो तीनों मेरी कोई नहीं लगती. ऑलराइट तुम कहो तो मैं तीनों से राखी बंधवाऊं. नहीं मुझे कुछ नहीं सुना, मैं जा रही. ओ रिलैक्स मोनिशा, ऐसा भी क्या गजब हो गया? मम्मी जी ये सारे मर्द मिलकर सीधी सादी डांसर्स हैं वो मोनिशा. आई मीन बॉयज विल बी बॉयज. अगर ये लोग ऐसी हरकत ना करते तो मुझे ताज्जुब होता. कम ऑन मोनिशा, डोंट बी सो मिडिल क्लास. कम डांस देखने. क्या? नहीं नहीं मुझे नहीं देखना ऐसा डांस. और साहिल को भी? मुझे भी नहीं देखना ऐसा डांस. अगर वो भरतनाट्यम कर रही हो ना तो भी नहीं. ठीक है साहिल, मिस बाबू को 28,600 का चेक दे दो और रवाना करो. 28,600 देने ही पड़ेंगे. ऑफ कोर्स, चाहे हम डांस देखे ना देखे. राइट. व्हाट अ वेस्ट. दे दो. नहीं नहीं ऐसे कैसे दे दे इतने सारे पैसे. ठीक है हम डांस देखेंगे. लेकिन साहिल वो कितना हिलती है आजकल की लड़कियां. जैसे हवा में 2 पतंग लहरा रही है ना मामा. तू पतंग उड़ाना बंद करो, मेरे लिए पहले ड्रिंक ले आ. पार्ट 2 बुकी द बैंग बैंग द बुकी द बैंग बैंग द बुकी द मद बुकी द बी. दुष्यंत कंटिन्यू. बिल्कुल फिजा की सुष्मिता सेन की तरह नाच रहे है ना साहिब. हाँ.